वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ अडेनियम के सीड ग्रो करने जा रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं हमको मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक भाग कोकोपीट, एक भाग सैंड और लगभग 10% इसमें कंपोस्ट और एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर। तो इसी मिक्सचर में मैं अपनी सीड लगाऊंगी, और इसके लिए मैंने ये वाला गमला लिया है। ये देखिए मैंने जो घर पे अभी तैयार किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था इसको, और बहुत ही ब्यूटीफुल से बना है। मैं आपको दिखा दूँ उठाकर, ये देखिए इसको मैंने कलर भी कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत से जो मैंने बास्केट में बनाया है उसी का डिज़ाइन भी देखिए इसमें बन गया, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मजबूत भी काफ़ी है। मैंने इसमें के 4 पीस इसी तरह के बनाए हैं, तो 2 तो मैंने अभी पेंट नहीं किए हैं, 2 में मैंने पेंट भी कर लिया है, और इसमें होल भी देखिए बहुत अच्छा सा बना हुआ। मैंने इसको उंगली से बनाया था, तो इसके ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें बड़ा सा ये रखे दे रही हूँ, और अभी मुझे कुछ मिला भी नहीं है, तो ये गमले का नीचे का टुकड़ा ही है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये मिक्सचर जो है इसको भर लेते हैं। तो इसको पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी मिट्टी को मिक्स कर लिया है और बिल्कुल वेरिएंट ये तैयार हो गई है, और इसमें हम अपने सीड लगाएंगे अभी। तो सीड मैंने जो मैंने अपने प्लांट से कलेक्ट किए थे, तो कुछ तो थोड़े से मेरे लास्ट ईयर के बचे हुए हैं, रखे रह गए थे। तो अडेनियम के सीड जो होते हैं, जितना जल्दी आप उनको जर्मिनेट करेंगे, जितनी जल्दी आप उनको ग्रो कर देंगे, उतनी अच्छी उनकी जर्मिनेशन रेट होती है। तो मैं बस ट्राई करना है मुझे कि लास्ट ईयर के सीड मेरे काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस गमले को मैंने देखिए आधा तो मैंने इस राइस हस्क से फिल कर दिया है, ये देखिए, क्योंकि इसका वेट भी कम रहेगा और इस इतने नीचे तक हमको इसमें मिट्टी भी नहीं चाहिए। तो आधा जो पार्ट बचा है आधे में हम इसको भर देंगे अभी, ये देखिए इस तरह से। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है मिट्टी की, क्योंकि नीचे इतना हमको लगभग 2-3 इंच 2-3 इंच ही चाहिए इसकी रूट्स को डेवलप होने के लिए, तो अभी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं भरनी पड़ेगी, इसलिए गमला भी हमारा हल्का रहेगा। तो बस इस तरह से इसको भर देना है, और बिल्कुल आपको ऐसे ही, ना इसको दबाना है ना ही इसको हाथ से बिल्कुल प्रेस करना है, और आप इसी तरह इसको हल्के हाथ से इस तरह भर दीजिए इस तरह से पूरा, ये देखिए। और अब मैं आपको सीड दिखा देती हूँ। ये मैंने इसी साल अभी कलेक्ट किए हैं, लगभग नवंबर दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर में शायद। तो मेरा जो अडेनियम का सीड पॉट था वो फट गया था, मैं उसको देख नहीं पाई थी, तो बाकी के सीड तो मेरे उड़ गए, थोड़े से मैंने बचा लिए थे। देखिए 10-12 सीड होंगे इसमें, तो मैं इसी को ग्रो करूँगी आज। तो जो ये है तो मुझे इसको तो पता है कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जो मेरे लास्ट ईयर के सीड हैं उनका पता नहीं वो जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए मैं फिर आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी। तो इसको हम पहले जो रेसा लगे हुए हैं देखिए इस तरह से इसके सीड होते हैं, ये देखिए दोनों साइड से इसमें इस तरह से सीड लगे होते हैं, तो इसको हमको हटा देना होता है, ये देखिए। इसको हटाएंगे तो हमको इस तरीके के सीड मिलेंगे, ये देखिए ये इस तरह से सीड मिलेंगे हमको। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, सबके रेसे इसके हटा देते हैं पहले। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो जिन्हें फंगीसाइड लगा है ये मेरे लास्ट ईयर के सीड है, और जो ये थोड़े से निकले हैं ये मेरे इस साल के सीड्स हैं। तो मैं इन्हीं को जर्मिनेट करूँगी। तो किस तरह से हमको सीड रखने हैं, तो चलिए हम इस सीड को रख देते हैं। तो जो मेरे लास्ट ईयर की सीड है वो ज़्यादा अच्छे हेल्दी हैं, पर पता नहीं ये ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से हमको सीड को रखते जाना है इस तरह से, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें आप सीड्स, ताकि जब इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो तो प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो। अब बहुत ज़्यादा पास होने से सीड जो होते हैं फिर हेल्दी ग्रो नहीं होते हैं, तो हम इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से सभी को रखते जाएंगे सीड्स को, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही। तो चलिए इसी तरह से हम सारे सीड्स पहले रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लास्ट ईयर के सीड अपने लगा दिए हैं, और जो इस साल के सीड अभी मेरे बचे हुए हैं तो इनको मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, जो आधी जगह बची हुई है। तो इसी तरह से हम इनको भी लगा देंगे, थोड़ी दूरी दूरी पर ही रखना है आपको, और लाइन से लगा दें चाहे आप, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा उंगली से ऐसे प्रेस करते जाए।
देखिए मैंने सारे सीड्स लगा दिए हैं और थोड़े से यहाँ पे लास्ट में बचे हुए थे मेरे पास सनफ्लावर के कुछ सीड्स थे, ये इस लाइन में जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, तो मैंने इनको भी इसी में डाल दिया है। देखती हूँ ये ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए हाफ में मैंने अपने लास्ट ईयर के डाल दिए सीड और हाफ में इस साल के डाल दिए हैं। अब ये जो हमारा पॉटिंग मिक्स है इसी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आपको डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट वेट ही रहे, ज़्यादा वेट हो जाएगा तो जर्मिनेट नहीं। तो इस तरह से सब में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, बिल्कुल पतली सी लेयर। और उसके बाद इसमें हम पानी दे देंगे और इसके 10 दिन के बाद मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, 10 दिन में क्या होता है, जर्मिनेट होता है कि नहीं होता है। लास्ट ईयर तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए थे और इस साल का मुझे खुद पता नहीं है अभी कि ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आप भी अगर ऑनलाइन सीड्स मंगाते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स मंगाएं, अच्छी कंपनी के सीड्स मंगा कर लगाएं, क्योंकि अगर पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने सीड्स होते हैं तो वो फिर ग्रो नहीं होते हैं। तो अगर आपके सीड्स ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा पुराने, जितने नए और अच्छे हेल्दी क्वालिटी के सीड्स रहेंगे उतनी अच्छे से जर्मिनेशन इनकी शुरू होगी। तो चलिए देख लेते हैं, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरह से हमको पानी आप स्प्रिंकल की हेल्प से, स्प्रेयर की हेल्प से धीरे धीरे डालिए। और ये जो पानी में डाल रहे हैं ये फंगीसाइड का पानी है, इसमें मैंने फंगीसाइड भी मिक्स किया आधा चम्मच, ये देखिए बाटल में। तो आप भी अगर पानी देते हैं शुरू में, वैसे मैंने फंगीसाइड इसकी मिट्टी जो बनाई, सॉइल बनाया है, इसकी पॉटिंग मिक्स बनाई उसमें भी ऐड किया है। इसमें मैंने मिट्टी बिल्कुल भी ऐड नहीं की, सिर्फ कोकोपीट सैंड और कंपोस्ट का मिक्सचर है ये। तो ये देखिए इस तरह से हमको पूरा एक बार अच्छे से गीला कर देना है इसको और धीरे धीरे करिए ताकि सीड आपके बिल्कुल खुले नहीं। और इसको आप चाहे तो 2-3 दिन के लिए पेपर से कवर भी कर सकते हैं, जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, नहीं तो आप इसको खुला भी रख सकते हैं। और इसको सुबह की 1 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए, सवेरे की जहाँ पे आप 1-2 घंटे की धूप आती हो वहाँ पे इसको उठा के रख दीजिए और बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे आपके सीड्स। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह एडेनियम की सीड लगा सकते हैं। तो फर्स्ट बार हमको अच्छे से पानी दे देना है ताकि नीचे तक मॉइस्चर हो जाए। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं इसकी अपडेट के साथ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने जो मैं अडेनियम का रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये मेरा 15 दिन हो चुके हैं इनको ग्रो किए हुए और मैंने आधे में लास्ट ईयर के सीड लगाए थे, आधे में न्यू अभी इस साल के सीड लगाए थे। तो देखिए लास्ट ईयर के जो सीड है मेरे एक भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लास्ट ईयर के मेरे सारे सीड्स में मैंने फंगीसाइड लगा कर रखा हुआ था और एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ, एक भी प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ है। और जो मेरे इस साल के सीड थे वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखिए पूरा बिल्कुल 100% रिजल्ट इसमें आया है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एडेनियम के सीड जो होते हैं बिल्कुल जितने ज़्यादा नए होते हैं उतनी अच्छी उनकी जर्मिनेशन रेट होती है। तो अगर आप लोग कहीं से सीड लेते हैं तो आप न्यू सीड ही लीजिए, आप अच्छे से पता कर लीजिए, अच्छी कंपनी के सीड मंगवा कर ग्रो करिए, या तो फिर आप एक प्लांट नर्सरी से ले आइए, उसमें सीड पॉट फिर बन जाते हैं तो आप उससे भी अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं। और जितने अच्छे, यानी जबकि लास्ट ईयर के सीड जो मेरे थे ज़्यादा हेल्दी थे, ज़्यादा बिल्कुल एकदम अच्छे दिख रहे थे, इस साल के सीड थोड़े नाजुक से थे, पतले पतले से थे, फिर भी देखिए उनकी जर्मिनेशन रेट कितनी अच्छी हुई है। और इतने प्लांट मेरे पास ये बन गए हैं एडेनियम के और ये 15 दिन का रिजल्ट है आपके पास। इनकी जर्मिनेशन लगभग 1 हफ्ते में शुरू हो जाती है, प्लांट ऊपर मिट्टी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये अभी देखिए थोड़े बड़े बड़े से भी हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ इनका जो स्टेम है कितनी थिक दिख रही है, बहुत ही क्यूट क्यूट से लग रहे हैं बेबी प्लांट्स। तो मेरे लिए तो इतने ही काफ़ी, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे कम से कम 50 प्लांट ग्रो किए थे, तो वो भी मेरे पास कुछ तो बारिश में ख़राब भी हो गए थे, कुछ हैं मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को यही रिजल्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से इसके सीड को ग्रो करते हैं और किस तरह से इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग भी अभी ग्रो करना चाहते हैं तो अभी आप एडेनियम के सीड को ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी मिट्टी बनाते समय आप 1 भाग सैंड, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग
कंपोस्ट लीजिए, कंपोस्ट में आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। इस तरह से इनकी मिट्टी तैयार करिए और इसी में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला करके उनके सीड को ग्रो कर दीजिए और आपको 10 से 15 दिन में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इस तरह से एडेनियम की सीड ग्रो कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।